नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज एक ऐसा जुगाड़ मैं लेकर आया हूं कि जिसे देखकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या है ऐसा जुगाड़? LCD LED में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पैनल, और पैनल में सबसे बड़ा मुद्दा CKV लाइन का शॉर्ट हो जाना। CKV लाइन शॉर्ट हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है। इस तरफ की शॉर्ट है या इस तरफ की शॉर्ट है, कैसे पता करें? लेफ्ट साइड की शॉर्ट है, हमने कट कर दिया तो राइट साइड से पैनल चल गया। राइट साइड की शॉर्ट है तो लेफ्ट साइड से पैनल चल गया, हमने इधर से काट दिया। लेकिन अब ये पता कैसे लगाएं? राइट साइड से शॉर्ट है, हमने लेफ्ट साइड से कट कर दिया, फिर इसको जोड़ा नहीं चला। तो अगर नहीं जुड़ पाई तो यहाँ से तो सही हुई नहीं, यहाँ से और ख़राब हो गई। अक्सर सभी के साथ ऐसा ही होता है। काश हमें ऐसा पता लग जाता कि किस साइड की CKV लाइन शॉर्ट है। ऐसा हो सकता है कि बिना काटे हम पता कर पाए कि कौन सी तरफ की CKV लाइन शॉर्ट है? दोस्तों, ऐसा एक फॉर्मूला मिल चुका है, मैंने एक प्रैक्टिकल किया और वो सक्सेस भी रहा, और मैं आपको सामने लेकर आया हूँ वो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। ये बड़ी परेशानी वाला सबब है जिसमें हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस साइड की CKV लाइन शॉर्ट है। आज मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगा जिसे लगाने से आप सेकंडों में पता लगा लेंगे बिना ट्रैक को कट किए कि इस साइड की शॉर्ट है या इस साइड की शॉर्ट है। कैसे? मैं आपको एक ये दिखाता हूं प्रोग्रामर, ये रहा। इस प्रोग्रामर को आप जानते हैं, यह RT 809F, और इसी तरह का होता है RT 809H, जिससे हम सॉफ्टवेयर करते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर करना, प्रोग्राम फाइल को कॉपी करना, फाइल को अपलोड करना, अरेंज करना, ये सारे काम इसके हैं। इसके अलावा कोई और काम है क्या? आज मैं आपको इसका वो काम बताऊंगा जो आपको इसके अलावा बहुत कुछ देगा। मैं आज आपको इससे CKV लाइन की शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका दूंगा, वो भी बिना कंप्यूटर के। कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं, आपको तो बस इस बॉक्स की जरूरत है और इस केबल की जरूरत है। इससे कैसे ढूंढेंगे CKV लाइन की शॉर्टिंग, मैं बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए कोई मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूं, ये मदरबोर्ड है। हमें इस मदरबोर्ड से किसी भी पैनल को चला सकते हैं, कोई भी मदरबोर्ड हो। इस मदरबोर्ड से आप किसी पैनल को जोड़ लीजिए जिसकी CKV लाइन शॉर्ट है। अब इससे हमने उसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद इस केबल को लगाइए, ये लगा दी, ये कनेक्ट हो गया। इसकी पिन लेकर USB वाली पिन किसी भी मोबाइल के चार्जर में लगा दीजिए तो ये ऑपरेट हो गया, ये चालू हो गया, ये भी चालू है, इससे पैनल चालू हो चुका है। अब हमने इसको PC मोड पर कर दिया क्योंकि ये PC मोड है, इससे रिमोट से PC मोड पर किया और इसको जोड़ दिया। इसको जोड़ते ही PC मोड लिखा गायब हो जाएगा और उसमें रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह के पैटर्न बनने लग जाएंगे। वो पैटर्न कैसे बनेंगे? इसमें एक ये रीसेट बटन होता है, इस बटन को हम बार बार प्रेस करेंगे, एक बार में रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इससे पैटर्न आएगा और उस पैटर्न में हमें CKV लाइन का चोर पता लग जाएगा कि कहाँ छिपा हुआ है। कैसे पता लगेगा? कि जिस साइड की CKV शॉर्ट होगी उसी साइड की लाइनें मोटी मोटी दिखाई देने लगेंगी हमें, और जिस साइड नहीं होगी उस साइड एकदम स्मूथ पिक्चर आएगी। कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों, आज आपको फॉल्ट फाइंडिंग का, पैनल रिपेयरिंग का एक सबसे नायाब तरीका बताता हूँ, एकदम लेटेस्ट तरीका। क्या है? देखिए, ये एक पैनल है, मैंने कांच की टेबल पर लगाया है। अब ये पैनल चलता है, एकदम सही चलेगा, और थोड़ी देर चलने के बाद पूरी पिक्चर हिलने लग जाएगी, मोटी मोटी लाइनें आने लग जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है? अब जब इसमें ये फॉल्ट आएगा तभी हम इसे देख पाएंगे, बिना उसके तो देख नहीं सकते। कभी एक घंटे चल जाता है, कभी दो घंटे चल जाता है। अब हम कब तक इंतज़ार करें? तो आज आपको
पैनल का फॉल्ट ढूंढने का, पैनल में कहां शॉर्टिंग है, कहां से प्रॉब्लम है, उसका एक नया तरीका देता हूं। ये प्रोग्रामर तो आप सब जानते होंगे, RT809F या RT809H, कोई भी प्रोग्रामर आप ले सकते हैं। अब हमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है इसे ढूंढने में। इस प्रोग्रामर को आप किसी भी चार्जर में लगाइए। ये मेरे पास एक मोबाइल का मल्टी चार्जर है, इसमें मैंने इसकी ये पिन लगा दी है, ये वाली पिन मैंने चार्जर में लगा दी। आप किसी भी चार्जर में लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा सिरा मैं इसमें लगा देता हूँ, इसके VGA पोर्ट में। ये हमने इसका दूसरा सिरा लगा दिया। अब देखिए, फॉल्ट टेस्ट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, अभी इसमें सेम वही कंडीशन है जो थी। अब हम रिमोट उठाते हैं और रिमोट से इनपुट दबा कर, देखिए मैं इसमें इनपुट दबाता हूँ तो यहाँ ये मेनू खुला। अब हमें जाना है PC मोड पर, ये PC, क्योंकि ये हमने इसमें PC मोड पर ही जोड़ा है ना, तो इस PC मोड पर जाते हैं हम। ये PC मोड पर चले गए। PC मोड पर जाते ही ये एकदम से प्लेन स्क्रीन आ गई, इसमें ग्राफिक्स सारे चले गए। अब इस में जो रीसेट बटन है, ये देखिए ये बटन, इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो इसमें पैटर्न चेंज होंगे। देखिए ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अब इसमें हमें समझ में आएगा कि कहीं की अगर CKV शॉर्ट होगी तो देखते हैं क्या इस तरफ कोई मोटी लाइनें हमें दिख रही हैं। जी नहीं, क्या इस तरफ दिख रही हैं? अभी हमें कहीं मोटी लाइन नहीं दिखी। मैं पैटर्न चेंज करता हूँ, शायद इस पैटर्न में दिखाई दें या इस पैटर्न में दिखाई दें, किसी न किसी पैटर्न में हमें दिखाई देंगी। देखिए रेड में भी नहीं दिखाई दी, अब ग्रीन में देखते हैं क्या यहाँ। जी नहीं, ग्रीन में भी नहीं। अब ब्लू में देखते हैं, अभी भी हमें नहीं दिखाई दी। फिर से करते हैं, पैटर्न चेंज करते जाते हैं, देखते हैं कहीं हमें मोटी लाइनें दिखाई देंगी। देखिए इस पैटर्न पर आ चुकी है, यहाँ कोई मोटी लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए इस पैटर्न में आप गौर से देखिए, आपको ये मोटी मोटी लाइनें नज़र आएंगी, ये दिखाई नहीं। यानी इसी साइड इसमें CKV लाइन शॉर्ट है, कहीं ना कहीं इस साइड हमें कोई मोटी लाइन नहीं दिख रही और इस साइड मोटी मोटी लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए बस मिल चुका है फॉल्ट। हमें इस कफ को यहाँ से उखाड़ना होगा या यहाँ के CKV को कट करना होगा तो ये पैनल सही हो जाएगा। मैं देखता हूँ इसका, यहाँ से CKV कट करता हूँ, कफ को उखाड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अब देखिए दोस्तों, मैं इस चालू कंडीशन में ही इसका कफ इस साइड से हल्का सा उखाड़ देता हूँ जहाँ CKV लाइन है। ये मैंने कफ निकाला, अब इसमें धीरे धीरे ये लाइनें कम होती जा रही हैं। इतना मैंने इसको उखाड़ दिया, अब इस साइड से ये ठीक हो जाएगा। ये मैंने इतना कफ निकाल दिया है, अब इसे एक बार बंद करके फिर से ऑन करते हैं हम इसी पोजीशन में। देखिए मैं इसे बंद करता हूँ, ये मैंने कर दिया बंद, अब ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये सेट पूरी तरह 100% ओके हो चुका है। ये PC मोड आ गया है, ये ग्राफिक्स एकदम सही आ गए हैं, यहाँ की मोटी मोटी लाइनें जा चुकी हैं। मैं इसमें पैटर्न चेंज करता हूँ, ये सेट एकदम सही बन चुका है। इससे हमें चेक करना है, ये मैं जितनी बार दबाऊँगा उतनी बार पैटर्न चेंज होगा। तो इसका सॉफ्टवेयर के अलावा ये उपयोग भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं इसमें बिना इसके प्रोग्राम लगाकर दिखाता हूँ। ये मैंने इसको, इसकी पिन को निकाल दिया, ये इसमें नो सिग्नल आ चुका है। देखिए ये पैनल एकदम ब्यूटीफुल बन चुका है। मैंने इसके इस कफ को इतना उखाड़ दिया है, एक साइड से ये CKV चल रहे हैं, दूसरी साइड से मैंने उखाड़ दिया है। अब इसके नीचे टेप लगा देता हूँ, बन गया सेट, हो गया काम।
एकदम परफेक्ट, दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये जुगाड़ देख लिया होगा और ये जुगाड़ आपको बहुत काम आएगा। इस RT 809F का कमाल सॉफ्टवेयर के अलावा बड़ा धमाल क्या है, पैनल को CKV शॉट कैसे ढूंढें, किसी भी पैनल में ढूंढ सकते हैं आप, भले ही छोटा पैनल हो बड़ा पैनल हो कोई भी हो, आप किसी भी मदरबोर्ड में लगाइए, एक मदरबोर्ड अपना टेस्टिंग का बना लीजिए, बस जिसमें BGA पोर्ट हो उसमें लगाइए, इसको कनेक्ट कीजिए और पैटर्न लगाकर चेंज कर लीजिए, हो गया, पता लग जाएगा एक सेकंड में, कहाँ मुश्किल है इसमें बताइए। तो दोस्तों मैं इसी तरह के फॉल्ट जुगाड़ ढूंढता रहता हूँ, नया नया जुगाड़ लगातार प्रैक्टिस, हमारी पूरी टीम लगी रहती है इस प्रैक्टिस में और जैसे ही कोई नया जुगाड़ मिलता है हम आपके सामने ले आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जुगाड़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस तरह के जुगाड़ टेक्नोलॉजी सीखना हो, ये तो एक छोटा सा जुगाड़ था, आपको हम सैकड़ों जुगाड़ सिखाएंगे। LCD LED इतनी आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे, आप नोट गिनते नहीं थकेंगे, LED आपके पास रिपेयर होने के लिए आते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि बहुत सारे LED हैं, एक ऐसा नहीं कि 10-5 LED हों, जितने घर हमारे शहर में उतने LED आप लगा लीजिए, अंदाजा कितने होंगे। तो इस काम को सीखिए, बहुत ज़्यादा चलने वाला काम है, और मात्र 7 दिन ऑफलाइन के और 30 दिन ऑनलाइन के, जो भी आपको समय हो दीजिए। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो 16 मार्च को हमारा नया सेमिनार शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए, और इस 7 दिन में हम आपको हर जुगाड़, हर टेक्नोलॉजी, हर तरह का सॉल्यूशन LED का बता देंगे, जिससे आप अपने किसी भी शहर में जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं और ये 100% काम चलेगा चलेगा चलेगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।